फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के बारे में। तो दोस्तों, फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट भी बहुत से कोर्सेज का डिक्लेयर हो चुका है। तो अब हमें डिग्री सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कॉन्वोकेशन क्या होता है, क्या हमें डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, इसे हम मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं क्या, उसके लिए कुछ फ़ीस हमें पे करनी पड़ेगी क्या, उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, इन सब बातों का समाधान आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रईसा शेख स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये कॉन्वोकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन का पता चले। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कॉन्वोकेशन क्या है, इसके लिए हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है। कॉन्वोकेशन का मतलब ही डिग्री सर्टिफिकेट को सर्कुलेट करने का एक फंक्शन बताया जाता है। जो कुछ भी सेक्शन 96 एंड सेक्शन 98 है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1994 अंडर सेक्शन 548, डिग्री स्टूडेंट के जो डिग्री हैं उन्हें फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के जो उन्हें डिग्री मिलने वाले हैं वो कॉन्वोकेशन की सेरेमनी में उन्हें सर्कुलेट किए जाते हैं। कॉन्वोकेशन कब होता है, ये बहुत बड़ा ही सवाल उठता है। अगर आपका डिग्री अभी कंप्लीट हो गया है, फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो आपका डिग्री 2019 में कंप्लीट हो गया है, आप पास आउट हो चुके हो मई में, उसके नेक्स्ट सिक्स मंथ होते हैं, उसी सेकंड हाफ में आपका कॉन्वोकेशन फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर इस कॉन्वोकेशन फंक्शन के लिए हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है क्या नहीं, तो हाँ दोस्तों, आपको कॉन्वोकेशन के फंक्शन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है। और उसके जो एप्लीकेशंस होते हैं स्टूडेंट की तरफ से जून से अक्टूबर के कालावधि में स्टूडेंट की तरफ से मंगाए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो डिग्री सर्टिफिकेट होते हैं उस पर उनका फ़ोटोग्राफ और उनका मदर का नेम प्रिंटेड होता है और बाद में उसे लैमिनेट किया जाता है और वो सर्कुलेट किया जाता है। डिग्री सर्टिफिकेट में बहुत सी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जस्ट लाइक होलोग्राम, स्टूडेंट स्कैंड फोटोग्राफ होता है, वाटरमार्क होता है और बहुत सी ऐसी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं ताकि कोई भी फ्रॉड वहाँ पर ना हो सके। अब कॉन्वोकेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमें कहाँ से फिल करना है, तो अगर आप शिवाजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपको शिवाजी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रिंट आपको निकाल लेनी है, उसके साथ आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट आपका अटैच करना है और फी रिसिप्ट भी, जो आपने पेमेंट किया है उसकी फ़ीस रिसिप्ट भी वहाँ पे आपको अटैच कर देनी है। और वो जो आपने फॉर्म की प्रिंट और फीस रिसिप्ट और फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको कॉन्वोकेशन सेक्शन जो यूनिवर्सिटी का ऑफिस है वहाँ पे सबमिट कर देनी है, अदरवाइज़ आप वहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अब ये रही कॉन्वोकेशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब जानते हैं हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कॉन्वोकेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए। कॉन्वोकेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं वो जान लीजिए। अगर न्यू यूज़र हो आप तो आपको न्यू यूज़र के फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन से हैं हमें, फाइनल ईयर मार्क लिस्ट की जो कुछ भी रिसिप्ट है, सक्सेसफुल कॉलेज की जो कुछ भी फ़ी है वो सक्सेसफुल पेमेंट करने के बाद कॉलेज की मार्कशीट मिलेगी आपको, उसकी अटेस्टेड कॉपी वहाँ पे आपको अटैच कर देनी है। और जो स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट स्कीम में से पास आउट हुए हैं उन्हें उनका ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट कर देना है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ़ोटो, अगर आपकी फ़ोटो नहीं है आपकी प्रोफाइल पे तो आपको वहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना है। ये मैं आपको बता दूंगी, फॉर्म भरते वक्त वहाँ पे ऑप्शन आएगा एक फ़ोटो अपलोड करने का, वो मैं रिस्पेक्टिवली उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फॉर्म सबमिशन ऑफ फॉर्म की क्या प्रोसेस रहेगी,
फिर जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है और पेमेंट रिसिप्ट जो है वो आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एड्रेस, द डायरेक्टर बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर 416004, इस पे आपको पोस्ट कर देना है। अदरवाइज आप कन्वोकेशन सेक्शन रूम नंबर 110 एग्जाम बिल्डिंग नंबर 1 शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में भी जाके आप ऑन द स्पॉट वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आप जानते हैं मोड ऑफ पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट करते वक्त आपको, अगर आपने पेमेंट किया और प्रोसेसिंग हो रहा है, तो आपको पेज वहाँ पे क्लोज नहीं करना है, थोड़ी देर के बाद से वेट करना है। अगर आपका पेमेंट फेल्यूर हो गया है तो आपको 1 घंटे के बाद वहाँ पे और रिट्राई करना है पेमेंट के लिए। आप जानते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं कॉन्वोकेशन के लिए। फॉर्म फिल करते वक्त बैंक डिटेल्स, फैकल्टी, कोर्स, सब्जेक्ट, क्लास डिटेल्स आपको अच्छे से फिल कर देने हैं। और आपने अगर इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, इनसफिशियंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल कर दी या फिर फी आपने पे नहीं की, ऐसी कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और जो स्टूडेंट आरबीई, आरबीएससी 10, ओबीसीएस 3rd ए, आरबीए 11 फॉर आईएमपी फर्स्ट क्लास, आरबीकॉम 12 फॉर्म डीआईडीडी, ये जो स्कीम है जिसमें से स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, उनको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। डिग्री सर्टिफिकेट स्टैट्यू नंबर 548 में कन्फर्ट किया जाएगा। ईच एप्लीकेशन विल बी एंटर्ड विद सेपरेट यूज़र नेम, मतलब जो कुछ भी हर एक एप्लीकेशन रहेगा उसे सेपरेटली एक यूज़र नेम रहेगा, ताकि कोई भी फ्रॉड वहां पे ना हो। और कोई भी प्रॉब्लम आपको आई तो आपको कांटेक्ट करना है 02312609113, ऑफिस आवर्स में आपको कॉल करना है और आप वहां पे अपना सॉल्यूशन ले सकते हो। अगर आपको अर्जेंट डिग्री चाहिए, कुछ आपको जॉब है, आपको वहाँ पे डिग्री की बहुत सी ज़रूरत है, आप कॉन्वोकेशन तक नहीं रुक सकते, तो आप अर्जेंट डिग्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब आप 2020 में पास आउट हो, अगर आप 2019 में पास आउट रहते, मार्च अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो गए होते, तो अक्टूबर नवंबर तक आपका कॉन्वोकेशन का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो गया होता। लेकिन अब 2020 में हमारे एग्ज़ाम्स ही अक्टूबर में हो गए हैं, तो अब आगे की एक डेट निकाली जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक आपको कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई करना है, और हमारा कॉन्वोकेशन का डेट भी एक्सटेंड किया जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं अर्जेंट डिग्री के लिए कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का मार्कशीट और सक्सेसफुल पेमेंट की रिसिप्ट आपको उस फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है। और अर्जेंट डिग्री सर्टिफिकेट आपको 40 दिन में मिल जाएगा, उसके लिए आपको अर्जेंट डिग्री की फ़ी है 2750। और जो कुछ भी एप्लीकेशन फ़ी आपने पे किए है यूनिवर्सिटी को, वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर आपको मेडिकल का डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, तो इंटर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट आपको शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का वहाँ पे नीड करेगा, मतलब उसकी ज़रूरत रहेगी, आपको वो वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। और जो कुछ भी रिमेनिंग रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो कॉन्वोकेशन के, वो अर्जेंट डिग्री के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। तो दोस्तों ये थी कॉन्वोकेशन के लिए जो कुछ भी हमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में होल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। जो कुछ भी डेट निकल कर आएगी कॉन्वोकेशन के लिए, वो मैं आपको बताते रहूँगी। अगली वीडियो में मैं आपको कॉन्वोकेशन का फॉर्म डिटेल में कैसे फिल करना है, इवन रेगुलर स्टूडेंट या फिर डिस्टेंस स्टूडेंट हो, फिर एमटेक का हो या फिर पीएचडी का स्टूडेंट हो, उन्हें कॉन्वोकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इन सब के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन अच्छी से अच्छी मिलती रहे और वो कॉन्वोकेशन का एप्लीकेशन फॉर्म ना मिस करें। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।